नमस्कार। 18वीं लोकसभा के लिए नव निर्वाचित सांसदों का आगमन संसद भवन में हो रहा है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है और इस बीच में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं, कर्नाटक की हवेरी लोकसभा सीट के वर्तमान सांसद और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी। आपका संसद टीम में बहुत बहुत स्वागत है बोम्मई जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, और जो हवेरी की जनता है जिन्होंने आपको संसद भेजा है उनके प्रति क्या कहना चाहेंगे आप अपनी जनता के लिए? मैं हवेरी और गदग दो जिला थे मुझे, वो लोगों की इतना ही कह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और आपने जो विश्वास रखा है मेरे ऊपर कि हवेरी लोकसभा क्षेत्र का एक पूर्ण तरीके से जो विकास होना है, और खास करके महिलाओं का, युवकों का जो कार्यक्रम करना है, वो मैं अपनी श्रद्धा से, अपने दिल से, अपनी प्रामाणिकता से मैं आपका सेवा करूंगा, और आपके लिए मैं हमेशा आपकी कुछ भी इश्यूज है उसके लिए मैं डट करके, मैं स्टेट में हो या सेंटर में, आपका वॉइस बन के, आपका ध्वनि बन के, एक सच्चा प्रतिनिधि बन के मैं काम करूंगा। आपका जो पॉलिटिकल करियर है और जो आपका अपना जो पॉलिटिकल लाइफ है आपकी 30 वर्षों से ऊपर की है, और आप 6 बार के MLA भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रदेश के, आपके क्या प्राथमिकताएं, क्योंकि अब आप संसद में पहुंचे हैं, पहली बार आप संसद पहुंचे हैं, हवेरी की जनता ने पहुंचाया आपने, पार्लियामेंट में कर्नाटक की जनता की आवाज को कैसे बुलंद करने वाले हैं आप, और प्राथमिकताएं, मुद्दे कौन कौन से रहेंगे आपके संसद में? संसद में तो मैं पूरा कर्नाटक स्टेट और हवेरी जो लोकसभा है उन और तमाम लोगों का जो भलाई है और विकास है उसके लिए काम करूंगा। खास करके मुद्दे हमारी स्टेट का है कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स है बहुत दिन से चल रहा है, और इसका बहुत बड़ा नुकसान स्टेट को हो रहा है, 50 साल से के ऊपर चल रहा है, कावेरी का भी चल रहा है, कृष्णा का भी चल रहा है, महादा का भी चल रहा है, उसका एक परमानेंट सलूशन मैं ढूंढने के लिए दिल्ली आया हूँ। वहाँ जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, मैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी रह चुका हूँ, और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नेशनल मिनिस्टर काउंसिल में मैं ये मेरा मत रखा था कि जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है उसको बदलना है, क्योंकि बहुत डिस्प्यूट उससे होता है, ज़्यादा सॉल्व नहीं होता, उसका सीरियसली पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, उसमें बदलाव लेना है, और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ाई ख़त्म होना चाहिए, जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो नेशन रिसोर्सेस बन के सबको मिलना चाहिए। इसके बारे में कर्नाटक की जो मुद्दा है वो उठाऊंगा, और कर्नाटक का इंडस्ट्रियलाइजेशन का मुद्दा है, और कर्नाटक के जो पीछे एरिया है उसका डेवलपमेंट का इश्यू है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल हाईवे का है, रेलवे का है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, और हमारी यहाँ बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेके जाना है, ऐसे बहुत सारे सपने लेके मैं आया हूँ, और ये जो मुद्दा का सपना है मुझे ये विश्वास है कि 5 बरस में जो मेरा एक तजुर्बा है पॉलिटिक्स में और सार्वजनिक जीवन में और एडमिनिस्ट्रेशन में, वो पूरा मैं ढापे लगाऊंगा और लोगों के लिए, हित के लिए काम करूंगा, और मुद्दा जो मुद्दा ना रहे वो मुद्दा एक तरफ से सोल्यूशन बन के निकले, वो मैं इसके लिए काम करूँगा। बोम्मई जी, जो भी राजनीति में आता है, राजनीति में है, कुछ विजन लेके आता है,
कुछ काम आपने कर दिए हैं अलग अलग रोल में, एमएलए के रोल में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, और अब एक नए रोल में है सांसद के रूप में, तो जो विजन है आपका, कुछ काम हो गए, कुछ करने हैं और वो आपके पाइपलाइन में है, आपके विजन में रहता है, वो ऐसे कौन से कोर इश्यूज जो आप समझ मानते हैं कि ये सॉल्व होने चाहिए, इस पे काम होना चाहिए देश में? देखो, इसमें भी एक है जो किसान के मामले है, बहुत साल से वो किसान के मामले में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, खास करके जो किसान जो उगाता है उसका प्राइस फिक्सेशन में एक साइंटिफिक होना चाहिए, और किसी भी हालत में किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए अलग अलग देश में अलग अलग मॉडल है। मैं ये चाहता हूँ कि किसान को जो फसल उन्होंने उगाता है उसका एक प्राइस रेंज जो मानसून से पहले या सीजन से पहले उसको मालूम रहना चाहिए और वो मेंटेन होना चाहिए। और किसान के जो पानी का मामला है सब है, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। मोर इन्वेस्टमेंट हैज टू कम इन एग्रीकल्चर फील्ड, नंबर वन। नंबर टू, वी हैव टू एनकरेज सच इंडस्ट्रीज वेयर द नेशन जीडीपी विल आल्सो इंक्रीज एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज। तीसरा है जो सोशल मामला है, जो हमारी सरकार की बहुत अच्छे काम किया है, पिछले सरकार 10-15 में बहुत सारे जनहित का काम किया है, गरीब कल्याण का काम किया है, और सारा डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो रहा है, बहुत ही क्रांतिकारी हो गया है पिछले मोदी जी की सरकार में। उसका जो बेस है उसको बढ़ाना है, और हर एक आदमी का जो पर कैपिटा इनकम है उसको बढ़ाना है। तो तीसरा है जो हमारी इकोनॉमी का मोर और शेकर्स है, फार्मर्स और लेबरर्स, इनका पूरा फैमिली का ख्याल करना है हमको। तो एक शाश्वत के रूप से ऑटोमेटिकली द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट शुड बी डन बाई एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। गवर्नमेंट शुड जस्ट ट्रिगर इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ प्रोग्राम, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, बट द रियल ग्रोथ शुड बी टेकन अप बाय द पीपल। मुंबई जी, आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कर्नाटक की हवेरी सीट के नव निर्वाचित सांसद बासवराज बुम्बई जी का कहना है कि जो वाटर डिस्प्यूट है उनको लेकर वो संसद में आवाज उठाने वाले हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर आवाज उठाने वाले हैं, और देश में हर एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़े उसके लिए भी वो कोशिश लगातार करते रहेंगे और संसद में इन मुद्दों को उठाते रहेंगे।